Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll do chapter number 5, Quality of Standard 7th Honeycomb English NCERT GACB Textbook. This is by John Glassworthy. Dosto, mera naam Kanhaiya Patel hai. Is video mein hum 7th kaksha ki English NCERT CBSE aur GACB Textbook mein se 5th part karenge. Part ka naam hai Quality. Iske author hai John Glassworthy. फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान गुरु वाणी एंड प्रेस दी बेल आइकन. दोस्तों मेरी चैनल ज्ञान गुरु वाणी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए और भी कीजिएगा. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. फ्रेंड्स दिस चैप्टर क्वालिटी इज अबाउट दी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस गिवन टू दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. दोस्तों हर किसी चीज़ की क्वालिटी मैटर करती है. इस चैप्टर में भी हम क्वालिटी को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है एक जूते बनाने वाले कॉबलर से. अब अ पर्सन हु इज अ कॉबलर हाउ much importance is given to the quality. Now this chapter will actually tell us the importance of quality and also it might have a lasting impression in your life. Dosto ye quality ka chapter humko quality ka importance to sikhayega hi. Ho sakta hai iska prabhav hum par bhi lifelong padhe. To please is video ko end tak dekhiyega suniyega aur agar koi doubts ho to please aap mujhe notifications karke chat mein de sakte hain. Friends please watch this video till the end and I am sure you like this. I'm trying to tell this chapter as a story and it'll nicely get into your mind and you won't have to refer to textbook. दोस्तों मैं इस चैप्टर को स्टोरी की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आपको इसके बाद टेक्स्टबुक को रेफर नहीं करना पड़ेगा और यह चैप्टर आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से उतर जाएगा. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. मैं उसको तब से जानता हूँ जब मैं जवान लड़का हुआ करने का क्योंकि वो तब मेरे पिताजी के बूट्स बनाया करता था. He lived with his elder brother in his shop, which was a small by street in the fashionable part of London. वो अपने भाई के साथ एक छोटी सी शॉप में रहने का जो by street के पास लंदन में थी. The shop had a certain quite distinct. ये शॉप के कुछ अलग से distinct features थे. There were no signs upon it on other or either of the name of the Gessler brothers. उस पर कोई साइन नहीं थे बट सिर्फ Gessler brothers उस पर लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स और उसके विंडो में कुछ जूतों के पीसेस भी पड़े हुए थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. वो सिर्फ वही चीज़ बनाने का जिसको उसको ऑर्डर मिलने का और जो वो चीज़ बनाने का वो जूते वो कभी भी फिट ना हो ऐसा होने का ही नहीं. तो उसकी फिटिंग बहुत ही मजबूत थी ऐसा ऑथर कहते हैं. He made boots, such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. वो बूट बनाया करते थे जूते बनाया करता था. वो ऐसे जूते बनाता था जो तब भी मुझे और आज भी ऐसे ही mysterious और wonderful लगते हैं. I remember when my shy remarks one day while I stretched out to him my youthful foot. मुझे याद है मेरी कुछ धुंधली धुंधली याद है जब मैंने अपने पैर उसकी तरफ लंबे करके बढ़ाए. Isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? मैंने उसको पूछा ये काम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है मिस्टर ग्लेस्टर. एंड इस आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड इट्स एन आर्ट. तो उसके आंसर वहाँ से उसको मिलने का एक स्माइल आने जाने के उसके मुंह पर और कहते थे कि इट्स एन आर्ट. तो ये जवाब मिलने का कि ये एक कला है इट्स एन आर्ट. इट्स एन आर्ट यहाँ इस तरीके से कहा गया है इट्स एन आर्ट एज इफ इट्स स्पोकन इन अ जर्मन एक्सेंट. एक जर्मन एक्सेंट में बोले गए इंग्लिश वर्ड है इसलिए वो हार्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं. इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम ऑफन बिकॉज इट बूट लास्टेड वेरी टेरिबली लॉन्ग. उसके वहाँ अक्सर जाना पॉसिबल नहीं था कि उसके बूट्स काफ़ी लंबा चलते थे. उनकी क्वालिटी अच्छी थी और उसकी लाइफ भी अच्छी थी बूट की. Having something beyond the temporary, some essence of boots snitched into it. तो ऑथर को ये लगने का कि उसमें कुछ ऑर्डिनरी नहीं थी बहुत ही खास चीज़ थी. ऐसे लगने का कोई अजीब तरीका से बूट इसमें स्टिच किया है साथ में इसके वजह से वो बूट बहुत ही लंबे चलते थे. वन वेंट इन नॉट एन एज इट द मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड.
कोई भी आदमी उसमें ऐसे चलने का जैसे कस्टमर नहीं हो, ऐसे आप कोई चर्च में हो, इतनी शांति थी, और वहाँ पे चेयर पे लंबे होके वुडन चेयर पे वो बैठ जाने का और आराम करके राह देखने का। ग्रंटल्ड साउंड एंड द टिप टो ऑफ स्लीपर्स ब्रीदिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट अ लिटिल बेंट। ये धीरे धीरे वहाँ जाके जब आप बैठते हो तो ऐसा लग रहा है वो अपने चप्पल से पहन के आवाज़ आपको सुनाई देगी धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरने का। और ये थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी था झुका हुआ आपके आगे आके खड़ा रहने का। इन लेदर एप्रन विथ स्लीव्स टक्ड बैक ब्लिंकिंग एंड इफ अवेकंड एज एव अवेकंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स। वो लेदर का एप्रन पहना हुआ रहने का, उसके पास उसकी आँखें थोड़ी सी ब्लिंक हुआ करने की, उसके हाथों की स्लीव्स फोल्डेड थी, ऐसे लगता जैसे उसको किसी बूट्स के सपनों में से अभी उठाकर आपके सामने वो आया हो या उठाकर उसको रख दिया हो। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। तो मैं उनको कहने का, कैसे हो मिस्टर गेस्लर, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के बने हुए बूट्स बना सकते हो। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम्स और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द shop and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade। तो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से वो चले जाने के और मैं वहाँ चेयर पर उनका राह देखते रहने का और आराम करते रहने का। और उस वक्त मुझे कोई स्मेल आने की जैसे वो किसी एसेंस की ट्रेड में है, कोई फैक्ट्री में है जहाँ से बूट की स्मेल आ रही है। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ ब्राउन गोल्ड ब्राउन लेदर। वो जल्दी वापस आने का और उसके हाथ में गोल्डन ब्राउन लेदर का टुकड़ा भी हुआ करने का। व्हेन हिज आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। उसकी आंखें उस पर डटी रहने की उस लेदर के पीस पर, और वो जर्मन एक्शन में फिर से आंसर देने का व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऐसे करके वो आंसर भी देने का। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। जब मैंने भी उसको गौर से निखार के देखा था वो फिर से बोलने का when do you want them ऐसा वो करने का। एंड आई वुड आंसर ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। तो आपको ये कब चाहिए, तो मैं उनको जवाब देने का कि आप जब भी दे सके हो मुझे दे देना। व्हेन ओ एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और वो बोलने का कल 15 दिन में मैं आपको दे दूँ तो चलेगा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई आस्क माई ब्रदर। तो अगर वो उसका बड़ा भाई था वो, अगर वो बोलने का कि मैं कल हफ्ते 15 दिन में आपको दे दूँ, या उसकी जगह पे अगर उसका भाई मुझे अटेंड करने का तो वो पूछने का कि मैं अपने बड़े भाई को पूछ कर बताऊँगा। देन आई वुड मर्मर थैंक गॉड गुड मॉर्निंग मिस्टर गीसलर गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेटर इन हिज हैंड। एंड एज इट मूव्ड अप टू द डोर आई वुड हियर द टिप टो ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। तो मैं मन में उनको थैंक यू बोलने का और फिर नेक्स्ट टाइम गुड मॉर्निंग बोलने का, तो ही वुड से गुड मॉर्निंग और फिर लेदर का पीस अपने हाथ में लेकर टिप टो टिप को आवाज़ करके वो स्टेप से अपने शॉप के ऊपर के भाग में चला जाने का, जैसे वो अपने बूट्स की ड्रीम की दुनिया में वापस जा रहे हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Glassler, that last piece of boots creaked, you know। एक दिन मेरे दिमाग से कभी भी जाता नहीं है क्योंकि वो बार बार मुझे याद आता है, जिस दिन मैंने कहा था मिस्टर ग्लेस्टर आपने पिछली बार जो बूट दिए थे उसमें क्रीक मतलब आवाज़ आ रहा था, आपको पता है। ही लुक्ड एट मी फॉर सम टाइम विदाउट रिप्लाइंग। उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे देखा और कोई जवाब नहीं दिया, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई दी स्टेटमेंट। एंड देन ही सेड इट शुडंट ग्रीक आई इट डिड आई एम अफ्रेड। तो वो मेरी तरफ से ऐसे देखने के जैसे वो चाहते थे कि मैं वो सेंटेंस को वापस ले लूँ या सेंटेंस को सुधार के बोलूँ और फिर वो बोलने के कि उसमें से ग्रीकिंग आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैं उनको कहने का नहीं इट डिड आई एम अफ्रेड मैं सॉरी लेकिन वो आवाज़ आता थी उसमें। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। तो शायद आपको वो गीले मिल गए हैं जैसे वो रेडी हुए उसके पहले। आई डेंट थिंक सो। तो ऐसा वो बोलते हैं शायद मैंने उनको जवाब दिया ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मुझे वो गीले मिले थे, वो रेडी ही थे। एट दैट ही वुड लोअर हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल सॉरी आई हैड मेंशनड दिस ग्रेव थिंग। उसके ऐसे कहने पर उसने अपनी आंखें नीचे कर दी जैसे वो सोच में डूब गया कि ऐसे कौन से बूट थे जैसे मैंने बताए थे। ये चीज़ सोचकर मुझे गिल्टी फील हुआ और मैंने सॉरी भी मेरे मन में बोला। जेंड एम बैक ही सेड
एंड आई विल लुक एट देम। तो वो कहते हैं कि वो वापस मुझे भेज देना और मैं उनको देख लूँगा क्या करता है। जूम बूट्स ही कंटिन्यू स्लोरी आ बैड फ्रॉम बर्ड। तो वो कहते हैं कुछ बूट्स जन्म से ही गंदे होते हैं, मतलब उनकी लेदर की क्वालिटी पहले से ही अच्छी नहीं होती है, ऐसा वो मुझे समझाने लग गए ऑथर को। If I can't do nothing with them, I take them off your bill. अगर मैं उनके साथ कुछ कर नहीं पाया तो मैं आपके बिल में से उनको निकाल दूंगा, मतलब इसके पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। नाउ ये क्वालिटी को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मिस्टर गेस्लर, ये चीज़ यहाँ समझ आती है। दोस्तों ऑथर वहाँ बार बार जाते थे, एक बार उनके पास ये पीस गंदा आया तो कौन सा पीस गंदा है उससे आवाज़ आ रही है ये वो मिस्टर गेस्लर सोचने में पड़ गए। और अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए वो कहते हैं कि शायद हो सकता है वो लेदर की क्वालिटी पहले जब से लेदर बना है तब से गंदी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो उसके आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं आपके बिल में से उनको माइनस कर दूंगा। तो आप समझ सकते हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी के लिए मिस्टर गेस्लर कितना इंपॉर्टेंस देते थे। Once, only once, I went absent-mindedly into the shop in a pair of boots bought in emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering on my foot. एक बार, सिर्फ एक ही बार मैं बिना कुछ सोचे समझे एक inferior quality के shoes या मैंने जो shoes emergency में खरीदे थे एक बड़ी company में से वो पहन के वहाँ गया, तो उस दिन उन्होंने मुझे order बिना leather का piece दिए बगैर ही लिया और उनकी आँखें मेरे पैरों में पड़े हुए उस हल्के क्वालिटी के जूते की तरफ ही थी। एट लास्ट ही सेड डोज आर नॉट माई बूट्स, आखिर में उन्होंने कहा कि ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट ऑफ वन ऑफ एंगर नॉट ऑफ सॉरो नॉट इवन ऑफ कंटेम बट देर वॉज इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज हिज ब्लड। ये टोन जो उनका था वो गुस्से वाला नहीं था, सॉरी वाला भी नहीं था, संतुष्टि भी नहीं थी, लेकिन उनका बहता हुआ रक्त एकदम सख्त और हिलना बंद हो गया हो ऐसा आवाज़ मुझे लगा। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल। उन्होंने अपना हाथ लिया और मेरे शूज़ पे उस जगह पे टच किया मुझे और मुझे पता उस जगह पे टच किया जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं था उस बूट पर। इट हर्ट्स यू हियर ही सेड, उन्होंने मुझे कहा कि इट हर्ट्स यू हियर, यहाँ आपको दर्द होता है। दोज बिग फर्म्स आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो उन्होंने कहा कि ये बड़ी कंपनियों को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड हैपन गिवन अवे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटली। इट वॉज ओनली द टाइम व्हेन आई एवर हर्ड हिज डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ द ट्रेड। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़ी कंपनीज को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। और फिर एक्चुअली मैंने जब उनका लंबी आवाज़ सुनी, उनकी बिटरी टोन सुनी, तब मुझे पता चला कि इस काम में, इस कंडीशन में कितनी मेहनत लगती है, इस ट्रेड में कितनी कश्मकश करनी पड़ती है। तब मुझे पता चला जब मैंने मिस्टर गेस्लर को और आगे सुना। They get it all, he said. Get it all by advertisement, not by work. उनको they get it all by advertisement and not by work. So उनको ये सारा business मिलता है, सारा business हमसे ले जाते हैं, लेकिन वो business advertisement से ले जाते हैं, उनके काम के वजह से नहीं। They take it away from us, whole loaf or boots. वो सारे वो लोग हमसे लेके जाते हैं जो हमारे boots को पसंद करते हैं, who love our boots. It goes Presently, I have no work. ये वो सारे कस्टमर्स, हमारे प्यारे कस्टमर्स भी लेके जाते हैं और इस हद तक आज पहुँच गए हैं कि मेरे पास काम नहीं है। Presently, I have no work. Every year it gets less. So, हर साल ये काम कम होता जाता है, मेरा बिजनेस जा रहा है। You will see, आप देखोगे एक चीज़। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter stringles and what a lot of grey hair there seemed suddenly in his red head beard. मैंने अचानक से देखा उसके फेस की तरफ कि ऐसे बिटर चीज़ मैंने नोटिस की जो मैंने कभी देखा नहीं था, ऐसा स्ट्रगल वो कर रहे थे। और अचानक से मैंने ये भी नोटिस किया कि उसके बाल भी ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं उसके लाल दाढ़ी में। तो अभी उसकी उम्र भी बढ़ रही है क्योंकि कस्टमर, ये जो ऑथर है, उन्होंने कभी मिस्टर गेस्लर की शक्ल की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस सर्कमस्टेंसेज को, उस परिस्थिति को बताने की कोशिश की
मिस्टर गेस्लर को कि किस परिस्थिति में मैंने ये जूते खरीदे। बट इज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मेनी पेयर्स। लेकिन उसकी आवाज़ ने और उसकी शक्ल ने ऐसे इंप्रेशन मेरे मन में की कि आने वाले कुछ मिनटों में मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो काफ़ी समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स, और उसके वजह से आने वाले 2 साल तक मैं उनके पास जा नहीं पाया मिस्टर गेस्लर की शॉप में। It was many months before the next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. काफ़ी महीने बाद जब तक मैं उनके पास गया उनके शॉप में, इस बार उनके बड़े भाई मेरे सामने आए थे उस पीस का लेदर का टुकड़ा अपने हाथ में लेके। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो मैंने उन्हें पूछा, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, आई एम वेरी वेल, मैं काफ़ी ठीक हूँ, लेकिन बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इन डीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वॉर्न। फिर मुझे पता चला ये खुद मिस्टर गेस्लर थे और कितने बूढ़े लग रहे थे। And never before had I heard him mention his brother. आज से पहले कभी मैंने उनके अपने भाई के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था। Much shocked, I murmured, oh, I'm sorry. मुझे आघात लगा तो मैंने उसको कहा, मुझे ये सुनकर बुरा लगा। Yes, he answered, he was a good man. He made a good boot. तो उन्होंने आंसर दिया कि हाँ, वो एक अच्छा आदमी था और वो अच्छी क्वालिटी के बूट्स भी बनाया करता था। But he is dead, लेकिन अब वो गुजर चुका है। And he touched the top of his head and where the hair had suddenly gone as thin as I had been on his poor brother to indicate I suppose that cause of his death. Do you want any boots? तो मैंने उनके सर पे देखा तो वो कहा कि उन्होंने मेरा भाई तो गुजर चुका है, और उसने अपने हाथ अपने सर पर घुमाए तो वहाँ के बाल काफ़ी पतले हो गए थे, जैसे उसके भाई के सर पे थे वैसे। लेकिन वो बेचारे अब मुझे पूछते हैं कि अब वो गुजर चुका है, लेकिन क्या आपको कोई बूट चाहिए? एंड ही हेल्प दी एंड ही हेल्प द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। और उनके हाथ में जो लेदर का टुकड़ा था, वही टुकड़ा मेरे आगे करके वही पुराना डायलॉग मारते हैं कि इट्स ए बेटर ब्यूटिफुल पीस, वो बहुत ही खूबसूरत टुकड़ा है लेदर का। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. मैंने काफ़ी सारे पीस ऑर्डर किए, हमेशा की तरह भी वो काफ़ी बेटर क्वालिटी के थे, थोड़े देर से आए। One simply could not wear them out, and so after that I went abroad. क्या कोई आसानी से उनको फाड़ के फेंक नहीं पा सकता था, मतलब वेयर एंड टेयर करके वो जल्दी घिस नहीं जाने के, और उसके बाद में अब्रॉड चला गया। It was over a year before I was again in London. एक साल के बाद तकरीबन मैं वापस लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट वॉज ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जो मैं गया वो मेरे बूढ़े फ्रेंड की दुकान थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60 व्हेन आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच्ड एंड वॉर्न हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। जब मैं गया तब मैंने एक 60 साल के आदमी को छोड़ा था, जब मैं वापस आया तब एक 75 साल का बूढ़ा आदमी एकदम थकी हुई आवाज़ में वहाँ था, और उसने शायद पहली बार में मुझे नोटिस भी नहीं किया। Do you want any boots? He said, I can make them quickly. It's a slack time. तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कोई बूट चाहिए, मैं जल्दी से बना सकता हूँ, ये बहुत ही स्लैक टाइम चल रहा है, मतलब अभी कोई बिजनेस नहीं है। आई आंसर प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on in shape and fit and finish and quality of leather. They were the best they had ever made. जिस शाम को वो बूट आए एक एक करके मैंने ट्राई कराया, और इनकी फिनिशिंग क्वालिटी लेदर जैसे पहले थे वैसे ही बेटर क्वालिटी के वो हमेशा ही रहे थे, वैसे ही थे ये शूज़। I flew downstairs, wrote a check and posted at once with my own hands. मैंने नीचे फटाक से दौड़ा, चेक साइन करके उस चेक को पोस्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि लंदन में और काफ़ी सारे विदेश में शूज़ ऑर्डर से ही बनते हैं, और जब वो शूज़ की ऑर्डर डिलीवरी आपके घर पे पहुँचती है तब जाके आप पैसे उनको भेजते हो। तो इसी सिस्टम से ऑथर ने भी शूज़ का चेक बाद में भेजा, शूज़ रिसीव करने पर।
A week later, passing the little street, I thought I could go in and tell how splendid the new boots fitted. एक वीक बाद जब उस स्ट्रीट से मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा कि मैं वापस उस शूज़ की शॉप में जाऊँ और मेरे फ्रेंड को कहूँ कि कितने मस्त बनाए हुए शूज़ है और कितने अच्छी तरह से फिट भी हो रहे हैं. बट वेन आई केम टू वेयर द शॉप हैड बीन, द नेम वॉज गॉन. लेकिन जब मैं उस दुकान के पास आया, वहाँ का वो बोर्ड का नाम चला गया था, बोर्ड चला गया था. आई वेंट इन विच वेरी मच डिस्टर्ब. मैं वहाँ बहुत ही डिस्टर्ब होकर अंदर शॉप में गया. इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. उस शॉप में एक यंग आदमी था, ब्रिटिश इंग्लिश फेस वाला. मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, क्या मिस्टर गेस्लर है? नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन दी शॉप ओवर. तो उन्होंने कहा, नहीं मिस्टर ग्लेसर या नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके लिए कुछ भी ला सकूं. हमने ये शॉप खरीद ली है. येस येस, आई सेड, बट मिस्टर ग्लेसर. हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर ग्लेसर का क्या? ओ ही आंसर्ड, डाइड. उन्होंने मुझे जवाब दिया, ओ वो तो गुजर चुके हैं, डाइड. बट आई ओनली रिसीव द बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेनसडे वीक. तो मैंने कहा, मर गए? अभी पिछले हफ्ते बुधवार को ही तो मैंने उनसे बनाए हुए जूते मुझे डिलीवर हुए हैं, वही मिले हैं मुझे अभी. आ, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. आ, वो बेचारा गरीब आदमी, वो भूख के मारे मर गया. स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट. डॉक्टर ने कहा, ये भूखमरी की वजह से ही मर गया. यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे. वो इसी तरह से काम किया करता था. वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच इन हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ. वो कोई भी वो दुकान पूरे दिन खुली रखने का और उसके अलावा जूतों को कोई टच करने नहीं आने का, क्योंकि बिजनेस नहीं था. वुडंट हैव अ सोल टच इन हिज बूट्स. वेन ही got an order, it would take such a time. जब उसको ऑर्डर मिलने का, उसको बहुत टाइम लगने का डिलीवरी देने के लिए. People wouldn't wait, लोग इतना आजकल वेट नहीं करते हैं. He lost everybody, धीरे धीरे करके उसके सारे कस्टमर्स चले गए. And there he sat going on, और वो वहाँ बैठा ही रहने का. I will say that for him, not a man in London made a better boot. उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे लंदन में उससे बेटर बूट कोई बनाता नहीं था. But look at the competition, he never advertised. लेकिन कंपटीशन को देखो, वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं करता था. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. उसके पास बेस्ट क्वालिटी की लेदर भी हुआ करने की और वो सारा पूरा काम खुद ही किया करता था. वेल देयर इट इज, वुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडिया. वो देखो, इससे आपको क्या अंदाज़ा आता है, जो मैंने कहा उससे आपको क्या अंदाज़ा आता है. वैसे वो ब्रिटिश मैन ऑथर को कहता है, बस स्टार्वेशन, लेकिन भूखमरी, ऐसा ऑथर पूछते हैं. या दैट मे बी दी फिट फ्लोरी एज द saying it is, but I know myself that he was sitting over his boots day and night. जैसे वो लोग कहते हैं वैसी ये बात है, लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूँ कि वो अपने बूट जो ऑर्डर मिलने के उस पर घंटों तक दिनों रात पर उसी पर ऑर्डर पर बैठा करने का और उसका काम करने की स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, ऐसा वो ब्रिटिश मैन ऑथर को कहता है. I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in his house. मैं अक्सर उसको देखा करता था, वो अपने खाने पे टाइम ही नहीं देने का और उसके पास कोई पैसा भी नहीं था घर में. All went in rent and leather. उसके सारे पैसे भाड़े में और लेदर में ही चले जाने के. He had lived so long, I don't know. वो इतने देर तक इतना लंबा कैसे जिए, मैं जानता नहीं हूँ. He regularly let his fire go out. उसने जानबूझकर शायद उसने धीरे धीरे अपनी आग बुझने दी. ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. वो एक कैरेक्टर वाला बंदा था, लेकिन उसने बूट्स बहुत ही अच्छे बनाए. येस, आई सेड, ही मेड गुड बूट्स. हाँ, मैंने कहा वो अच्छे क्वालिटी के बूट्स बनाता था. दोस्तों, यहाँ ये क्वालिटी का चैप्टर हमको ये सीख देता है कि क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. आप कोई भी काम करो, चाहे किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, घर पे जाकर अपना काम खुद कर रहे हो, या लाइफ में कोई भी चीज़ आगे बढ़ के भी करोगे, तो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. मिस्टर ग्रेस्लर एक छोटी सी दुकान में थे जहाँ वो एडवर्टाइज भी नहीं करने के, लेकिन शायद जिस जेंटलमैन ने जिसे बताया, पूरे लंदन में उनके जैसा शूज़ कोई नहीं बनाने का. ये उनकी प्रसिद्धि उनको इतनी तब मिली थी जब उनकी क्वालिटी अच्छी थी. तो आई होप इससे हमको बहुत सारी अच्छी सीख मिलेगी और हम हमारा काम, होमवर्क, स्टडीज़ अच्छी क्वालिटी की करेंगे और लाइफ में भी अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिविजिट द वीडियो. आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. अगर नहीं तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरुवाणी. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय.